हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई मालाराम सर पर। हम अपनी जो जनरल जो साइंस की जो दो क्लासे थे वो हम ऑलरेडी कर चुके थे बायोलॉजी से संबंधित। अब हम तीसरी सबसे महत्वपूर्ण क्लास करने जा रहे हैं जिसमें से लगभग हर कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्लासे हैं ये हैं ग्रंथियों के बारे में, गैलेंट्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथि गैलेंट्स, ये जो ग्रंथियां जो होती हैं ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, सॉरी। एक तो होती हैं बहिःस्रावी, एक होती है अंतःस्रावी और एक होती है मिश्रित ग्रंथियां। इनको बोलते हैं एक्सोक्राइन गैलेंट्स, इनको बोलते हैं एंडोक्राइन गैलेंट्स, ठीक है। बहिःस्रावी का मतलब क्या होता है, ठीक है। बहिःस्रावी ग्रंथियों का मतलब होता है वे ग्रंथियां जो अपने हार्मोन को सीधा उपयुक्त स्थान तक पहुंचाने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। या फिर ये कह सकते हैं वे ग्रंथियां जो अपने द्वारा बनाए गए जो रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उनको उस स्थान पर पहुंचाती हैं नलिकाओं के द्वारा जहां पर उनकी आवश्यकता होती है। यानी वही जो स्रावी जो ग्रंथियां हैं जो कौन सी हैं, जो एक्सोक्राइन जो गैलेंट्स हैं इनमें वाहिकाएं होती हैं। इनमें क्या होती हैं, वाहिकाएं होती हैं ये अपने स्त्राव को, ये अपने स्त्राव को उपयुक्त स्थान तक पहुंचाती है, ठीक है। दूसरा, ये ग्रंथियां जूस रस या एंजाइम, जूस या एंजाइम छोड़ती हैं, जूस या क्या छोड़ती हैं, एंजाइम छोड़ती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर किसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें आ जाती हैं जैसे लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, ईटीसी, ठीक है। अब देखो लार ग्रंथि क्या होती है, इसमें वाहिकाएं होती हैं। लार ग्रंथि जैसे जो हमारे कान के आगे कर्णपूर्व है इसके अंदर नलिकाओं के द्वारा जो इसका जो लार जो होती है इसको कहां पे, मुख में छोड़ा जाता है, क्योंकि लार की आवश्यकता कहां पे है, मुख में है, तो मुख में क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, ठीक है। और ये क्या बनाती है, जूस बनाती है, क्या बनाती है, जूस या फिर एंजाइम बनाती है, ठीक है। जो दूसरी है बहिःस्रावी ग्रंथियां, दूसरी कौन सी है, सॉरी अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरी कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इनमें क्या होता है,
इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, ये अपना स्राव रक्त में छोड़ती हैं। ये अपना स्राव कहां पे छोड़ती हैं? ये अपना स्राव रक्त में छोड़ती हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, पैराथायराइड ग्रंथि हो गया, ये सभी ग्रंथियां क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एंडोक्राइन जो गैलेंट्स होती हैं, ये हार्मोन रिलीज करती हैं। ये क्या छोड़ती हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं। अब बात करते हैं जो तीसरे प्रकार की ग्रंथि है। कौन से प्रकार की ग्रंथि? तीसरे प्रकार की, जिसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। जिसे क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ये मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? ठीक है, वे ग्रंथियां जो एंडोक्राइन व एक्सोक्राइन दोनों प्रकार से व्यवहार करें, दोनों प्रकार से क्या करें? व्यवहार करें, वे मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मनुष्य के शरीर के अंदर अग्नाशय ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? जो अग्नाशय ग्रंथि है ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये हार्मोन, एंजाइम या फिर जूस दोनों क्या करती है? दोनों छोड़ती है, दोनों क्या करती है? छोड़ती है। मिश्रित ग्रंथि वे ग्रंथियां जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार का व्यवहार करें वो क्या कहलाती हैं? मिश्रित ग्रंथियां कहलाती हैं। यानी जो क्या करें? हार्मोन भी छोड़े और क्या छोड़े? एंजाइम भी छोड़े, वो क्या कहलाएंगी? मिश्रित ग्रंथियां कहलाएंगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। अब हम सबसे पहली अब हम पढ़ेंगे मानव में उपस्थित एंडोक्राइन गैलेंड्स, मानव में उपस्थित एंडोक्राइन गैलेंड्स, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। किसकी बात करते हैं सबसे पहले? पीयूष ग्रंथि की, ठीक है। ये स्थान है कहां पर? ये मस्तिष्क में उपस्थित, इसके आकार की बात करें तो मटर के दाने के समान, ठीक है। अगर इसके छोड़े गए
हार्मोन की बात करें इसमें है एचजीएच, इसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन। ये क्या करता है? मानव की वृद्धि के लिए, मानव की लंबाई के लिए उत्तरदायी, लंबाई के लिए क्या है ये? उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगर एचजीएच का रिलीज ज्यादा हो जाता है तो मानव का जो आकार होगा, किसका आकार? मानव का जो आकार होगा वो हो जाएगा दानवाकार। वो कैसा हो जाएगा? दानवाकार। ठीक है, अगर एचजीएच अगर कम रिलीज होगा तो मानव का जो आकार होगा वो हो जाएगा बौना। क्या हो जाएगा? वो हो जाता है बौना। ठीक है, इसके अलावा ये तो एक हार्मोन हो गया, इसका दूसरा हार्मोन होता है FSH, फोलिकल स्टी स्टिमुलेटेड हार्मोन। ये महिलाओं के जो अंडोत्सर्ग की क्रिया है उसको क्या करता है? नियंत्रण करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा इसका होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। क्या होता है? थायराइड थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, ये जो थायराइड है इसके नियंत्रणों के ऊपर क्या करता है? ये जो स्राव करता है उन पर नियंत्रण करने का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दूसरी ग्रंथि। क्या पढ़ेंगे? दूसरी ग्रंथि, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को पढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो मास्टर जो पीयूष ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है? पीयूष कैलेंड, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीयूष ग्रंथि मानव की सभी ग्रंथियों पर क्या करती है? नियंत्रण रखने का क्या करती है? कार्य करती है। अतः पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अब आ जाती है हाइपोथैलेमस स्थान। देखो नाम से ही पता लग रहा है यह है थैलेमस के नीचे। ठीक है, आकार अत्यंत छोटी होती है। ये क्या होती है? अत्यंत छोटी होती है, और थैलेमस के क्या होती है? नीचे। ठीक है, ये थैलेमस के नीचे होती है, अत्यंत छोटी होती है। और ये क्या करती है? सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। किस पर नियंत्रण करती है? पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करने का कार्य करती है, अतः इसे सर्वोच्च कमांडर क्या बोलते हैं? सर्वोच्च कमांडर या
मास्टर ऑफ, मास्टर ऑफ मास्टर गैलेंट्स या हेड मास्टर गैलेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथी बोलते हैं सर्वोच्च कमांडर, या फिर क्या बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर गैलेंट, या फिर हेड मास्टर ग्रंथी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हेड मास्टर ग्रंथी, क्यों, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथी द्वारा स्रावित हार्मोनों पर क्या करती है, नियंत्रण करने का कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो हमारी तीसरी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि, कौन सी की बात करते हैं, पीनियल ग्रंथि, किसकी बात कर रहे हैं, पीनियल ग्रंथि की। और जो पीनियल ग्रंथि है ये कौन सा हार्मोन छोड़ती है, पीनियल ग्रंथि का जो हार्मोन है ये है मेलेटोनिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन है, मेलेटोनिन हार्मोन है। ठीक है, अब ये मेलेटोनिन हार्मोन करता क्या है, मेलेटोनिन हार्मोन का काम है ये हमारी दिनचर्या को नियंत्रित करता है, क्या करता है, दिनचर्या को नियंत्रित करने का कार्य करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे शाम जब होती है, जो अंधा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति है जिसको नजर नहीं आता, दिखता नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको अपने आप ही महसूस हो जाता है कि इस वक्त तो शाम हो रही है, इस वक्त क्या हो रहा है, सुबह हो रहा है, इस वक्त दोपहर है, क्यों, क्योंकि उसके मस्तिष्क के अंदर एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या है, पीनियल, जो उसकी दिनचर्या को क्या करती है, नियंत्रित करने का काम कर सकती है, इसको क्लॉक ग्लैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लॉक ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके बाद अगली जो ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि, कौन सी है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ये होती कहां पे है, गले में, श्वास नली के दोनों तरफ एच आकार में, कैसे आकार में, एच आकार में ऐसी होती है, माना ये तो है श्वास नली, ये क्या है श्वास नली, तो श्वास नली में इस प्रकार से क्या पाई जाएगी, ये ग्रंथि पाई जाती है, ये कौन सी है, थायराइड ग्रंथि, ये क्या है, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड जो ग्रंथि है ये हार्मोन कौन सा छोड़ती है, जो थायराइड ग्रंथि है ये हार्मोन छोड़ती है थायरोक्सिन हार्मोन, कौन सा छोड़ती है, थायरोक्सिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन छोड़ती है, ये थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है। ये होता क्या है, जब हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी आती है, किसकी कमी आती है, आयोडीन, शरीर में किसकी कमी, आयोडीन की कमी, और जब शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो जो थायराइड ग्रंथि है इसका आकार बढ़ जाता है, इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और जिससे कौन सा रोग हो जाता है, गाइट, जिसको बोलते हैं गलगंड या फिर घेंगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, गलगंड या घेंगा, अंग्रेजी में बोलते हैं गाइटर, क्या बोलते हैं, गाइटर रोग बोलते हैं, किसकी कमी से, आयोडीन की, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि जो होती है इसके आकार बढ़ जाता है, और आकार बढ़ने के कारण क्या होता है, गलगंड या फिर घेंगा रोग हो जाता है। अतः हमें हमेशा आयोडीन युक्त किसका सेवन करना चाहिए, नमक का सेवन करना चाहिए। ठीक है, इसी ग्रंथि के नीचे पाई जाती है पैराथायराइड, कौन सी पाई जाती है, पैरा थायराइड, क्या पाई जाती है, पैराथायराइड, इसी ग्रंथि के सॉरी ऊपर पाई जाती है, कहां पे पाई जाती है, ऊपर। और ये हार्मोन कौन सा छोड़ती है,
जो पैराथायराइड ग्रंथि है ये हार्मोन छोड़ती है, पैराथार्मोन, कौन सा छोड़ती है, पैराथार्मोन हार्मोन छोड़ती है, पैराथार्मोन हार्मोन छोड़ती है। ये जो पैराथार्मोन हार्मोन है ये हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद अगली जो ग्रंथि आएगी वो आएगी एड्रिनल ग्रंथि, कौन सी आएगी, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। देखिए भाई, एड्रिनल जो ग्रंथि है इसको बोलते हैं करो या मरो ग्रंथि, या इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि क्यों बोलते हैं, क्योंकि वृक्क के ऊपर टोपी नुमा आकृति में होती है। ठीक है, ये होती कहां पे है, हमारी किडनी के ऊपर टोपी नुमा आकार में पाई जाती है, संख्या में दो होती है क्योंकि किडनियां कितनी है, दो हैं, अतः क्या बोलते हैं इसको, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, या फिर करो या फिर मरो ग्रंथि बोलते हैं। अब ये हार्मोन कौन कौन से छोड़ती है, ठीक है, इसके द्वारा जो हार्मोन छोड़ा जाता है, वो छोड़ा जाता है एड्रीनलिन हार्मोन, कौन सा छोड़ा जाता है, एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, इसे एड्रेनलिन हार्मोन को बोलते हैं 3F या फिर 4S हार्मोन, क्यों बोलते हैं, क्योंकि फियर, फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, 3F हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब जब हमारे पास में जब कोई संकट ग्रस्त जब परिस्थितियां आती हैं, जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, आपके पीछे कोई कुत्ता लग गया, क्या लग गया, कोई कुत्ता लग गया, तो क्या करते हैं, आपकी जो दौड़ने की या चलने की जो गति होती है अचानक से बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा क्या होती है, हमारे रक्त में बढ़ जाती है, और जब ऐसी जब क्रिया होती है तो हमारे हृदय की धड़कन बढ़ना, हमारी श्वास का फूलना, ये सभी क्या होती है, क्रियाएं होती हैं, यानी इस कारण से ही इसको क्या बोलते हैं, करो या फिर मरो हार्मोन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, करो या मरो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, क्या बोलते हैं, करो या मरो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली जो ग्रंथि है वो है वृषण, वो कौन सी है, वृषण, टेस्टिस, ये मात्र नर में उपस्थित, किसमें उपस्थित है, केवल नर में उपस्थित, और कौन सा हार्मोन छोड़ती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ती है। इस हार्मोन का कार्य क्या है, मानव नर में गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण, गौण लैंगिक लक्षणों पर क्या करना, नियंत्रण करने का कार्य है। ठीक है, इसी प्रकार से अंडाशय, इसी प्रकार से अंडाशय, ओवेरी, ये केवल
मादा में उपस्थित हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, कौन कौन से, एस्ट्रोजन व फिर प्रोजेस्टेरोन, और इसका कार्य क्या है, मादा के गौण मादा के गौण लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करना। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी जो मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय, कौन सी आती है, मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय होती कहां में है, ये होती है उदर गुहा में, कहां पे होती है, उदर गुहा में। ठीक है, ये दो चीज छोड़ती है, एक तो इंसुलिन हार्मोन, एक तो क्या छोड़ती है, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन के अलावा ये छोड़ती है पाचक रस, क्या छोड़ती है, पाचक रस, जिसे बोलते हैं अग्नाशय रस, जिसे क्या बोलते हैं, अग्नाशय रस, इसी कारण क्या बोलते हैं इसको, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ये कैसी एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, कैसी ग्रंथि है, एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। ये इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है, इंसुलिन हमारे रक्त में, किसमें, हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इंसुलिन क्या करता है, मानव रक्त में, किसमें, मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। अब होता क्या है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो शरीर है इसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा, शरीर में शर्करा की मात्रा मात्रा में वृद्धि, इसको क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग, क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ जो अपनी जो ग्रंथियों वाली क्लास थी वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। याद करने की चीज क्या है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है, मास्टर ग्रंथि कौन सी है, जो ज्यादा बार पूछा जाता है, क्या लिखेंगे, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर, क्या आएगी, हाइपोथैलेमस गैलेंड, कौन सी है, हाइपोथैलेमस गैलेंड होती है। ठीक है, इसी के साथ अपनी जो ग्रंथियों वाली क्लास है यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, आगे की क्लासों के अंदर हम और अपने जीएस के जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उनका अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए आप लगातार क्लासों से जुड़े रहिए, लगातार शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।